कोरोना की संभावित लहर से मुकाबले को लेकर नोएडा में स्पेशल टास्क फोर्स तैयार हो रही है। सेक्टर 39 स्थित अस्पताल में पीडियाट्रिशियन डॉक्टरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। जायजा लिया संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। नोएडा में तैयार हो रही यूपी के लिए टास्क फोर्स, जी हाँ, इस समय हम नोएडा के 39 में मौजूद हैं और जहां पर जो लैब है वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। थर्ड वेव अगर आती है तो उस वेव से कैसे लड़ना है और कैसे अगर बच्चे उसका शिकार होते हैं तो उस ट्रेनिंग को यहां पर लेकर सिखाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं CMS रेणु अग्रवाल, उनसे जानेंगे जो टास्क फोर्स यहां पर तैयार की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने अभी जो डॉक्टर्स हैं जो खास तौर पर पीडियाट्रिशियंस हैं उनको तैयार कर दिया गया है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो पूरे यूपी से अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ट्रेनिंग उनको यहाँ दी जा रही है? देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने दो जगह जो है ये स्किल लैब की ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, एक लखनऊ में एक गौतम बुद्ध नगर में, और इसमें ऑल ओवर यूपी इन दोनों शहर में जाएंगे और ये तीन दिन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है और इसमें एक बार में 30 बैचेस हमारे पास आ रहे हैं। 30 मतलब हर एक ज़िले के पीडियाट्रिशियन को हम ट्रेन कर रहे हैं, वो मास्टर ट्रेनर बन के जाएंगे और अपने ज़िले में जाके फिर वो अपने स्टूडेंट को MBBS डॉक्टर्स को सिखाएंगे कि कैसे बच्चों को डील करना है, क्योंकि बच्चों को में हर एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट होती है। बड़ों में डालना बहुत आसान होता है, कैनुला हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गई, लेकिन बच्चों में हर कोई नहीं डाल सकता, इसलिए मास्टर ट्रेनर हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मैनिकिन है, ये डमी कहते हैं इसको, जैसे अब ये एक बच्चे का हाथ है एक बड़े का हाथ है और इसमें जो है ये बच्चे के हाथ में कैसे कैनुला डालेंगे, तो ये अभी आपको ये डाल के देखिए, इन लोग को सिखाएंगे कि ये डालने के बाद इसमें आपको दिखेगा कि ये वेन के अंदर गया कि नहीं गया। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेन के अंदर जो कैनुला है वो लगाया जाता है। आप ये देखिए, ये कलर है, ये ब्लड दिखाया जा रहा है, कलर लगा तो ये ब्लड तुरंत आ गया है। तो इससे जो है ये अब बच्चों में, क्योंकि अगर डायरेक्ट बच्चों में डालेंगे और नहीं गया तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहीं पर हैंड्स अपने ट्रेंड हो जाने हैं सबके। ये एक बच्चे की मैनिकिन है, इसमें जो हम वेंटिलेटर, आपने देखा होगा मरीज वेंटिलेटर पे जाता है तो बच्चों में एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के लिए ये एम्बू बैग है, ये एम्बू बैग से हवा दे रहा है, तो जो है बच्चा अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो एम्बू बैग से ले लेगा, इसमें एयर जा रही है अंदर। और फिर अगर आपको वेंटिलेटर से कनेक्ट करना है तो ये लैरिंगोस्कोप, देखिए लैरिंगोस्कोप से ट्रेकिया पूरा दिखती है, आप इसको फोकस कर सकते हो अपने कैमरे में, देखिए फोकस ले आइए इधर, जैसे कहूँगा इसको फोकस करें, आगे फोकस करो बेटा आप, ये पूरी ट्रेकिया नज़र आ रही है। अब इसमें जो है ये ट्यूब डाल दी जाएगी, तो ये हर एक जो भी हम ट्रेनर तैयार कर रहे हैं सबको सिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।